हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेद्रे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करेंगे अभी जनवरी से लेकर अप्रैल माह तक के करंट अफेयर्स को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम मई से लेकर जुलाई एंड तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। उसके बाद आपको हर मंथ अगस्त से आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स मंथली प्रोवाइड कराते जाएंगे। जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि बोर्ड पे केवल मैं की पॉइंट ही लिखूंगा और हर पॉइंट के डिटेल मैं आपको बताते जाऊँगा। जो भी पॉइंट का मैं आपको जो मैं डिटेल बता रहा हूँ उसमें जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है चर्चित स्थल। छत्तीसगढ़ के कुछ चर्चित स्थलों के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट है आपका पंचतंत्र कहानी का शिलाखंड, जो मिला है आपको सिरपुर से। महासमुंद जिले के सिरपुर, जो कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहाँ पे अभी हाल ही में आपका मिला है पंचतंत्र का शिलाखंड, पंचतंत्र कहानी से संबंधित शिलाखंड। ये शिलाखंड प्राप्त हुआ है, ये है आपका तीवरदेव महल में। सिरपुर में स्थित तीवरदेव महल या तीवरदेव के परिसर में प्राप्त हुआ है आपका पंचतंत्र कहानी का शिलाखंड। इस पंचतंत्र कहानी का इतिहास थोड़ा पुराना है, ये लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास का इतिहास है, जो जिसमें एक राजा अपने मूर्ख बेटों को शिक्षित करने के लिए एक विख्यात पंडित विष्णु शर्मा अपने बेटों को दीक्षित करने के लिए कहता है। विष्णु शर्मा लगभग 6 माह तक अलग अलग कहानियों के माध्यम से उस राजा के बेटों को शिक्षा प्रदान करता है। तो इसी सभी कहानियों का संकलन है एक पंचतंत्र से संबंधित इस शिलाखंड में एक बंदर मगरमच्छ के पीठ पर बैठकर नदी पार करता हुआ दृश्य इस शिलाखंड में उकेरा हुआ है। पंचतंत्र के लेखक आपको मालूम ही है कि विष्णु शर्मा है, और साथ ही साथ ये बंदर और मगरमच्छ का जो नदी पार करता हुआ दृश्य, और इसके साथ एक और है केकड़े की कहानी से संबंधित एक दृश्य भी इसी शिलाखंड में मिला है। तो याद रखिएगा कि पंचतंत्र की कहानी से संबंधित शिलाखंड कहाँ से मिला है, तो सिरपुर से। सिरपुर में कहा तीवरदेव महल या तीवरदेव परिसर में। सेकंड नंबर पर है आपका गंधेश्वर शिवलिंग। गंधेश्वर शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है आपका सिरपुर में। लगभग यह 2000 साल पुराना शिवलिंग आपके सिरपुर में प्राप्त हुआ है। ये जो शिवलिंग है, ये जब इसकी खुदाई से यह शिवलिंग निकाला गया तो इसमें तुलसी की सुगंध आ रही थी, तो ये तुलसी के सुगंध आने के कारण इसे गंधेश्वर नाम दे दिया गया है। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग प्राप्त हुआ वहाँ पे यह किंवदंती चलती है कि यहाँ पर पहले बहुत एक विशालकाय मंदिर हुआ करता था, जो 12वीं शताब्दी में आए बाढ़ भूकंप के कारण यह मंदिर तबाह हो गया। तो इस मंदिर के ही शिवलिंग अभी वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। ये शिवलिंग है आपका सफ़ेद रंग का, और पुरातात्विक साक्ष्यों से यह मालूम चल रहा है कि ये जो शिवलिंग जो मिला है या जो मंदिर की किंवदंती वहाँ चल रही है, वो शरभपुरी राजाओं ने उस क्षेत्र में मंदिर बनाए थे। तो इस शिवलिंग को भी शरभपुरी राजाओं द्वारा निर्माण किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो याद रखिएगा कि जो गंधेश्वर शिवलिंग है, ये गंधेश्वर शिवलिंग है आपके सफ़ेद कलर का, यह प्राप्त हुआ है आपका सिरपुर महासमुंद जिले में। और इससे एक और तथ्य हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातत्वविदों ने कहा है कि इस शिवलिंग को बनाने के लिए जिस पौरुष पत्थर का उपयोग किया गया है, वह पौरुष पत्थर स्वयं काशी के विश्वनाथ मंदिर में जो स्थित शिवलिंग है उस शिवलिंग से समानता रखता है। मतलब जो काशी के विश्वनाथ मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है, वो जिस पत्थर से बनाया गया है उसी पत्थर का है यह आपका गंधेश्वर शिवलिंग। तो याद रखिएगा कि गंधेश्वर शिवलिंग आपका सिरपुर महासमुंद जिले से प्राप्त हुआ है। तीसरा है आपका आनंद समाज वाचनालय। आनंद समाज वाचनालय, इसकी स्थापना हुई थी आपकी वर्ष 1908 में। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है इसके जीर्णोद्धार का कार्य कर रहा है। तो जो आनंद समाज वाचनालय है, यह प्राचीन पुस्तकों का, छत्तीसगढ़ साहित्य के साथ साथ भारत के भी जो प्राचीन साहित्य है, इसका जो पुराने किताब है, उन पुराने किताबों का यह संकलन है। तो याद रखिएगा कि आनंद समाज वाचनालय, इसकी स्थापना वर्ष 1908 में माधवराव सप्रे की प्रेरणा के स्वरूप इस आनंद समाज वाचनालय की स्थापना की गई थी। तो ये आनंद समाज वाचनालय से एक और प्रश्न बनता है। पिछले साल ही व्यापम ने एक प्रश्न किया था, वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान जब गांधी जी अपने छत्तीसगढ़ प्रवास में आए थे तो उन्होंने किस स्थान पर महिलाओं को संबोधित किया। तो याद रखिएगा वर्ष 20 दिसंबर 1920 को जब महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, तो उन्होंने यहीं आनंद समाज वाचनालय के परिसर में, कुछ किताबों में यह भी मिलता है कि आनंद समाज वाचनालय के समीप एक गांव में उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया था। तो आप याद रखिएगा कि आनंद समाज वाचनालय 20 दिसंबर 1920 को जब गांधी जी अपने छत्तीसगढ़ प्रवास में आए थे तो उन्होंने इसी आनंद समाज वाचनालय के परिसर में ही महिलाओं को संबोधित किया था। और छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने इसी समय तिलक स्वराज फंड में लगभग 2000 रुपये के मूल्य के गहने महात्मा गांधी को दान किए थे। तो याद रखिएगा आनंद समाज वाचनालय स्थित रायपुर में, वर्ष 1908 में इसकी स्थापना माधवराव सप्रे के प्रेरणा स्वरूप की गई थी।
नेक्स्ट है आपका शासकीय दिव्यांग कॉलेज। शासकीय दिव्यांग कॉलेज की स्थापना की जा रही है आपकी मठ पुराना रायपुर में। यह प्रदेश का पहला शासकीय दिव्यांग कॉलेज होगा। इसके अंतर्गत दो कोर्स कराया जा रहा है। पहला है आपका बीए ऑनर्स, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तान गायन शैली सिखाई जाएगी, और दूसरा है आपका बीएफए मींस बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इसके अंतर्गत आपका ललित कला के कोर्स सिखाए जाएंगे। तो ये दो जो कोर्स सिखाया जा रहा है, तो और ये कॉलेज जो है शासकीय दिव्यांग कॉलेज जो रायपुर में खुलने वाला है, वो आपका संबंध है आपका इंदिरा गांधी कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से। तो याद रखिएगा कि शासकीय दिव्यांग कॉलेज की स्थापना की जा रही है मठ पुराना रायपुर में। इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में दो कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, बीए ऑनर्स जो कि आपका हिंदुस्तानी गायन शैली से संबंधित है, और दूसरा है आपका बीएफए मींस बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जो कि ललित कला से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कोरवा जनजाति मॉडल ग्राम। कोरवा जनजाति मॉडल ग्राम की स्थापना की जा रही है आपका कदम झरिया और गटकनार में। कदम झरिया और गटकनार ये दोनों के दोनों आपके कोरबा जिले के कोरबा विकास खंड के अंतर्गत ही ये दोनों ग्राम आते हैं, कदम झरिया और गटकनार। इसे कोरबा जनजाति के मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य कोरबा जनजाति को कृषि मूलक संसाधन उपलब्ध करा करके तथा उन्हें जो वन पट्टे की जमीन उपलब्ध हुई है उसे उसका समतलीकरण करके उस क्षेत्र में कृषि, मछली पालन, उद्यानिकी के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध करा के उन्हें आत्मनिर्भर बनाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। तो याद रखिएगा कि कोरबा जनजाति के मॉडल ग्राम के रूप में कोरबा जिले के कोरबा विकास खंड के अंतर्गत कदम झरिया और गटकनार इन दो गाँवों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला है आपका कचरा महोत्सव। कचरा महोत्सव का आयोजन किया गया था रायपुर में, रायपुर नगर निगम के द्वारा कचरा महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये चर्चा का विषय तब बना जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इस कचरा महोत्सव की सराहना की। इस कचरा महोत्सव में बच्चों को कबाड़ की वस्तुओं से कुछ नए सामान नए तथा उपयोगी सामान बनाना सिखाया गया। साथ ही साथ कुछ नामचीन कलाकारों ने इस कबाड़ के माध्यम से सामान बनाकर उसे किस तरीके से अपने आजीविका का माध्यम बनाए यह भी लोगों को सिखाया। तो याद रखिएगा कि कचरा महोत्सव का आयोजन किया गया था रायपुर नगर निगम में, रायपुर नगर निगम द्वारा कचरा महोत्सव का आयोजन किया गया था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम। स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम का उद्घाटन अभी हाल ही में डॉक्टर रमन सिंह ने कोटा रायपुर में किया। इस एथलेटिक स्टेडियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए हाई जंप, लॉन्ग जंप, वाटर जंप, जेवेलियन थ्रो, गोला फेंक जैसे अलग अलग खेलों के लिए कोर्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन के भी कोर्ट इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। आने वाले समय में इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन किए जाने की भी संभावना है। तो याद रखिएगा प्रदेश के पहले एथलेटिक स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है आपका कोटा रायपुर में, स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम कोटा रायपुर। नेक्स्ट अब अपन चर्चा करेंगे कृषि एवं वन संपदा के ऊपर। तो इसमें याद रखिएगा कि राज्य का प्रथम किसान बाजार संचालित है आपका धमतरी जिले में। राज्य का प्रथम किसान बाजार संचालित है आपका धमतरी जिले में। छत्तीसगढ़ में कुल 200 किसान बाजार खोला जाना है, जिसमें से 115 किसान बाजार को खोले जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अपने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 200 किसान बाजार खोले जाने की घोषणा की गई थी, जिसमें से 115 किसान बाजार खोले जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये छत्तीसगढ़ का जो किसान बाजार है धमतरी का, ये अभी हाल ही में फिर से चर्चा का विषय रहा, क्योंकि यह देश के लिए एक रोल मॉडल बना है। जो भी हाल ही में फरवरी में जो केंद्रीय बजट की घोषणा की गई थी, उस केंद्रीय बजट में ग्राम किसान बाजार खोले जाने की घोषणा की गई है। वह ग्राम किसान बाजार जो केंद्रीय स्तर पर जो ग्राम किसान बाजार खोला जा रहा है, वो इसी आपके धमतरी किसान बाजार के तर्ज पर ही खोला जा रहा है। तो याद रखिएगा कि प्रदेश का पहला किसान बाजार आपका खोला गया है धमतरी में, ठीक। नेक्स्ट है आपका आदिम ब्रांड चावल। आदिम ब्रांड चावल का उत्पादन किया जा रहा है आपका दंतेवाड़ा जिले में। जैविक कृषि के माध्यम से इस आदिम ब्रांड चावल का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में यह देश में काफ़ी प्रसिद्धि हासिल कर चुका है। इसका मुख्य रूप से इसका निर्यात किया जाता है आपका बेंगलोर, चेन्नई और देश के अन्य हिस्सों में। इस आदिम ब्रांड चावल को मुख्यतः ये आपकी भूमगादी कंपनी के द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। ये भूमगादी है क्या? दंतेवाड़ा जिले के कुछ स्व सहायता समूह ने आपस में
जो किसान जैविक कृषि करते हैं उन किसानों का एक समूह बनाया और उस समूह का नाम रखा आपका भूमगादी कंपनी। तो ये जो भूमगादी कंपनी है ये जैविक कृषि करने वाले किसानों का एक स्व सहायता समूह है जो जैविक कृषि के माध्यम से इस आदिम ब्रांड के चावल का उत्पादन कर रहा है। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में भूमगादी कंपनी या भूमगादी स्व सहायता समूह के द्वारा इस आदिम ब्रांड के चावल का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका औषधि धान की प्रजाति। छत्तीसगढ़ में 3 औषधि धान की प्रजाति के ऊपर रिसर्च चल रहा है, जैसे गठवन, महाराजी और लाइचा। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई और छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय दोनों के द्वारा इन 3 धान की प्रजातियों पर रिसर्च चल रहा है। इन धान की प्रजातियों में फेफड़े तथा स्तन में होने वाले कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता पाई गई है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तथा छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से आपका गठवन, महाराजी और लाइचा इन धान की प्रजातियों पर रिसर्च किया जा रहा है। इन तीनों प्रजातियों में सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक जो आपका कैंसर के इलाज के लिए उपयुक्त या कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में जो सर्वाधिक रूप से सक्षम है वो है आपकी लाइचा प्रजाति का। तो ये तीनों प्रजाति का नाम याद रखिएगा, गठवन, महाराजी और लाइचा, ये तीनों औषधि वाले धान की प्रजाति है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम है। ठीक, नेक्स्ट आपका कड़कनाथ मुर्गा। मध्य प्रदेश राज्य को कड़कनाथ मुर्गे का GI टैग प्रदान किया गया, जियोग्राफिकल इंडेक्स या आपका भौगोलिक संकेतक। काफ़ी समय ये आपका कड़कनाथ मुर्गा काफ़ी समय से आपका चर्चा के विषय में रहा था और विवाद का भी विषय था आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य। मध्य प्रदेश का यह तर्क था कि इस कड़कनाथ मुर्गे की जो उत्पत्ति है वो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुई है, वहीं हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का यह तर्क था कि इस कड़कनाथ मुर्गे का जो प्राकृतिक आवास है तथा इसे का प्राकृतिक रूप से प्रजनन प्रारंभिक रूप से ही हमारे छत्तीसगढ़ में होता रहा है। तो याद रखिएगा कि ये जो कड़कनाथ मुर्गा है इसका जो छत्तीसगढ़ में बहुतायत मात्रा में दंतेवाड़ा में पाए जाते हैं, लेकिन इसका GI टैग मिल गया है आपके मध्य प्रदेश को, स्पेशली झाबुआ जिले में। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रथम वन औषधालय महासमुंद। ये प्रथम वन औषधालय, छत्तीसगढ़ का प्रथम वन औषधालय की स्थापना की जा रही है आपके महासमुंद जिले के सिरपुर में। हर्बल मेडिसिन पर्यटन सर्किट, छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में 2 सर्किट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, इको सर्किट जिसके अंतर्गत मैन पार्ट और भी जगह के जैसे हसदेव बांगो डैंक जो भी आपके इको पॉइंट है वो सभी को आपको इको सर्किट के अंतर्गत रखा गया था। और एक बताया था मैंने आपको जनजातीय सर्किट या ट्राइबल सर्किट जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जो भी जनजाति बहुल वाले जिले हैं उनके आपस में एक परिपथ बनाया गया। तो तीसरा, अभी छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है आपका हर्बल मेडिसिन पर्यटन सर्किट में। यह जो हर्बल मेडिसिन पर्यटन सर्किट ये केरल राज्य में चलाए जा रहे पर्यटन सर्किट के तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में इस हर्बल मेडिसिन पर्यटन सर्किट को डेवलप किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है वन औषधि के माध्यम से उपचार के लिए पर्यटकों को प्रेरित करना या उन्हें आकर्षित करना, वन औषधि के माध्यम से उपचार के लिए पर्यटकों को जागरूक या उन्हें आकर्षित करना इस हर्बल मेडिसिन सर्किट का मुख्य उद्देश्य है। तो इसी कड़ी में प्रदेश का पहला वन औषधालय की स्थापना की गई है आपके महासमुंद जिले सिरपुर में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ लघु वन उपज में मिलेगा बोनस। छत्तीसगढ़ के कुल 6 लघु वन उपज में बोनस दिए जाने की घोषणा डॉक्टर रमन सिंह ने की है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने इन 6 लघु वन उपजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ बोनस दिए जाने की भी घोषणा की। अभी बोनस दिया नहीं जा रहा है लेकिन दिए जाने की घोषणा की है। ये 6 लघु वन उपज है कौन कौन से, हर्रा, इमली, साल बीज, महुआ, चिरौंजी गुठली, कुसमी लाख। 6 लघु वन उपज जिन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ बोनस दिए जाने की घोषणा डॉक्टर रमन सिंह ने की है वो है आपके हर्रा, इमली, साल बीज, महुआ, चिरौंजी गुठली और कुसमी लाख। तो ये 6 लघु वन उपज का नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है मक्का प्रसंस्करण केंद्र। मक्का प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जा रही है आपकी बस्तर में, मक्का के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें केवल बस नाम ही याद रखिएगा कि मक्का प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जा रही है आपका बस्तर में। नेक्स्ट, निधन।
छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिनका हाल ही में निधन हुआ उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। पहले नंबर पर है आपके दिनेश नंदन सहाय। दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, जिनका कार्यकाल रहा 2000 से लेकर के 2003 तक, जिनका हाल ही में निधन हुआ आपका उनके गृहनगर मधेपुरा बिहार में। 2003 में छत्तीसगढ़ से उनका ट्रांसफर हुआ त्रिपुरा में। 2003 के बाद कुछ समय के लिए वे त्रिपुरा के राज्यपाल रहे। तो इसमें एक ही प्रश्न बनने की संभावना है कि दिनेश नंदन सहाय का कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो याद रखिएगा कि 2000 से 2003 तक वे छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल के रूप में आसीन थे। नेक्स्ट है आपके पंचराम देवदास। पंचराम देवदास छत्तीसगढ़ के मोहरी वादक थे। पंचराम देवदास छत्तीसगढ़ के मोहरी वादक थे, जिनका संबंध राजनांदगांव जिले से है। छत्तीसगढ़ के कुछ लोकप्रिय सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे चंदेनी गोंदा सोनहा बिहान अमृत धारा, इन तीन लोकप्रिय सांस्कृतिक संस्थाओं में इन्होंने अपने मोहरी का संगीत दिया है। तो याद रखिएगा कि पंचराम देवदास का संबंध है मोहरी वादक से। नेक्स्ट सूरजबाई खांडे छत्तीसगढ़ लोकगीत भरथरी गायन और ढोला मारू ये दोनों से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि सूरजबाई खांडे का संबंध है आपका भरथरी गायन और ढोला मारू दोनों से। नेक्स्ट है कुंवर भाई। छत्तीसगढ़ राज्य की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसिडर कुंवर भाई का लगभग 106 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कुंवर भाई तब चर्चा में आई जब इन्होंने अपनी आजीविका के साधन बकरी को बेचकर अपने घर में शौचालय का निर्माण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव के कुर्रू भाटा में जब एक विशाल जनसभा का आयोजन किया तो उस जनसभा में इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था। तो याद रखिएगा कि कुंवर बाई का संबंध आपका राजनांदगांव जिले से है और ये छत्तीसगढ़ राज्य की स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर थी। नेक्स्ट है आपका योजनाओं से। पहले नंबर पर है भारत नेट परियोजना। भारत नेट परियोजना केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही एक देशव्यापी योजना है, जिसके अंतर्गत देश के लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के मध्य जो डिजिटल खाई स्थापित है, यानी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर के जो आपका जो एक बिगर गैप बना हुआ है उसे फुलफिल करने के लिए लाया गया भारत नेट परियोजना। भारत नेट परियोजना के माध्यम से लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जोड़ा जाएगा। इसके प्रथम चरण में 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इसके दूसरे जो चरण अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है उसमें 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। तो जो इसका प्रथम चरण था उसमें छत्तीसगढ़ के 64 विकास खंड के 4104 ग्राम पंचायतों को जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जुड़े कितने, केवल लगभग 1800 ग्राम पंचायतों को ही जोड़ा गया। अभी हाल ही में इसका जो दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है तो इसके दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 85 विकास खंड के 5987 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये 5987 वाले आंकड़े को याद रखिएगा, भले ये वाले आंकड़े को, प्रथम चरण वाले आंकड़े को याद मत रखिए, द्वितीय चरण के आंकड़े को याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण में भारत नेट परियोजना के अंतर्गत 85 विकास खंड के 5987 ग्राम पंचायतों को जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है चिराग योजना। चिराग योजना क्या है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोड मैप 2020 तैयार किया। इस रोड मैप 2020 के अंतर्गत वर्ष 2020 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया। तो इसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रारंभ किया है चिराग योजना। इस चिराग योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2020 तक किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है चिराग योजना। इस चिराग योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार वर्ल्ड बैंक से लगभग 1500 करोड़ का सहायता लेगी, और साथ ही साथ इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय दुगनी करना, यानी किसानों की आमदनी बढ़ाना, तथा युवाओं को खेती किसानी के कार्य की ओर प्रेरित करना, यानी युवाओं को कृषि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। तो इसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक से लगभग 1500 करोड़ का सहायता लिया जा रहा है और प्रदेश के 4 लाख किसान परिवार तथा 50,000 युवाओं को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करके कृषि उद्यमों की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत युवाओं को भी कृषि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा 4,000 किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ये प्रारंभ किया गया है आपका चिराग योजना। नेक्स्ट है आपका नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया है आपका
पांच इंटरलिंकिंग परियोजना, इसके अंतर्गत दो नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। जैसे महानदी को तांदुला से जोड़ा जाएगा, पैरी नदी को महानदी से जोड़ा जाएगा, रेहार को अटेम से जोड़ा जाएगा, अहिरन को खारंग से और हसदेव को केवई से। तो ये पांचों नदियों का जो जोड़ा है उसे याद रखिएगा कि इन पांचों नदियों को आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है। महानदी तांदुला, पैरी महानदी, रेहार अटेम, अहिरन खारंग और हसदेव केवई। ये नदी जोड़ परियोजना या ये जो आपका फाइव इंटरलिंकिंग परियोजना है, ये भी कहीं ना कहीं आपका चिराग योजना या आपका नरेंद्र मोदी जी के रोड मैप 2020 से संबंधित है। तो ये पांचों नदियों का जो जोड़ा है इसे याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, क्योंकि अभी ये राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ज़्यादा हाईलाइट था ये। नेक्स्ट है आपका लॉजिस्टिक पार्क नीति। लॉजिस्टिक पार्क नीति अभी 2018 में इसकी घोषणा की गई है, यह 5 साल के लिए है, यह समाप्त होगी आपका वर्ष 2023 में। याद रखिएगा कोई भी नीति प्रारंभ होती है आपका 1 अप्रैल से और समाप्त होती है 31 मार्च को, ये लगभग वित्तीय वर्ष के ऊपर काम करता है। लॉजिस्टिक पार्क है क्या ये समझ लीजिए, देश विदेश या राज्य में उत्पादित वस्तु के उद्गम से लेकर के उसके अंतिम गंतव्य तक सुव्यवस्थित, सुरक्षित तथा मशीनीकृत रूप से उसका व्यवस्थापन करना, ये है आपका लॉजिस्टिक पार्क के अंतर्गत। यानी कोई वस्तु जो उत्पादित, उसका उत्पादन हुआ है, उसको उसके अंतिम गंतव्य तक बिना किसी डैमेज के सुव्यवस्थित, सुरक्षित तथा मशीनीकृत तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, रेलवे के माध्यम से, वायु परिवहन के माध्यम से, या फिर आपका सड़क परिवहन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उसे सुरक्षित रूप से उसका ट्रांसपोर्टेशन करना आपका लॉजिस्टिक पार्क नीति के अंतर्गत आता है। तो लॉजिस्टिक पार्क नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में एक लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर अभी 50,000 मैट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाला लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा रायपुर में। तो याद रखिएगा कि लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा 2018 में की गई, जबकि इसका यह समाप्त होगा आपका वर्ष 2023 को। नेक्स्ट है आपका संवेदना एक्सप्रेस। संवेदना एक्सप्रेस है क्या समझिए, 108 संजीवनी एक्सप्रेस के तर्ज पर प्रारंभ किया गया है आपका संवेदना एक्सप्रेस, जो कि सड़क में दुर्घटना में घायल हुए पशुओं के त्वरित इलाज के लिए यह एक एम्बुलेंस व्यवस्था है। जिस तरीके से हमारी 108 संजीवनी एक्सप्रेस आपका पूरे प्रदेश भर में उसका जाल बिछा हुआ है, जो आपके त्वरित इलाज के लिए, यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके त्वरित इलाज के लिए उपलब्ध के लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संजीवनी एक्सप्रेस चलाई जा रही है, उसी प्रकार से एक संवेदना एक्सप्रेस का भी प्रारंभ हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, जो सड़क में घायल हुए पशुओं को त्वरित इलाज उपलब्ध कराएगा। अभी प्रारंभिक तौर पर ये छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के राष्ट्रीय मार्ग पर अभी ये कार्यरत है, अभी पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ में फैला नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के राष्ट्रीय मार्ग पर अभी यह संचालित है। याद रखिएगा संवेदना एक्सप्रेस का संबंध है सड़क दुर्घटना में घायल हुए पशुओं के त्वरित इलाज से। नेक्स्ट है आपकी नियुक्तियां। नियुक्तियों में केवल आप नाम याद रखिएगा, चंद्रशेखर गंगरंडे को अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है विक्रम सिसोदिया का नाम थोड़ा याद रखिएगा, विक्रम सिसोदिया को भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। विक्रम सिसोदिया छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष पूछे तो विक्रम सिसोदिया लगाइएगा। नेक्स्ट है आपके MK रावत। MK रावत को छत्तीसगढ़ का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है नंद कुमार साय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नंद कुमार साय, यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पूछे तो रामशंकर कठेरिया अनुसूचित जाति आयोग मींस SC आयोग के अध्यक्ष पूछेंगे तो रामशंकर कठेरिया, यदि ST आयोग यानी अनुसूचित जनजाति आयोग पूछे तो नंद कुमार साय का नाम लगाइएगा। नेक्स्ट विवेक ढांड अभी हाल ही में रियल इस्टेट नियामकन प्राधिकरण यानी रेरा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं, रेरा के प्रथम अध्यक्ष विवेक ढांड। नेक्स्ट
ये जो रियल इस्टेट नियामकन प्राधिकरण है, ये आपकी भू संपदा यानी रियल इस्टेट के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस रियल इस्टेट नियामकन प्राधिकरण की स्थापना की गई है तथा इसके प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं आपके विवेक ढांड। नेक्स्ट है आपके अजय सिंह। अजय सिंह को राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव है अजय सिंह। नेक्स्ट आर के सिंह छत्तीसगढ़ राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक नियुक्त किया गया है यानी PCCF प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, प्रधान मुख्य वन संरक्षक आर के सिंह। नेक्स्ट अजय कुमार त्रिपाठी को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश, 12वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इन सभी नियुक्तियों में केवल नाम याद रखिएगा, इनसे प्रश्न बन सकते हैं, स्पेशली ये विक्रम सिसोदिया का। ठीक है, नेक्स्ट चलते पुरस्कारों की तरफ। वर्ष 2017 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया छत्तीसगढ़ में श्यामलाल चतुर्वेदी जी को, जो कि एक साहित्यकार है। दूसरे है आपका दामोदर गणेश बापट, जो कि समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित है। श्यामलाल चतुर्वेदी जी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से संबंधित है। इनमें याद रखिएगा कि श्यामलाल चतुर्वेदी जी छत्तीसगढ़ के राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, और साथ ही साथ इनकी कुछ रचनाओं को भी याद रखिएगा, पर्रा भरलाई, भोलवा भोला राम बनीस, जब आईस बादल करिया और बेटी के विदा। तो इनकी रचनाओं को और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट दामोदर गणेश बापट वर्ष 1972 से भारतीय कुष्ठ रोग निवारक संघ ग्राम सोठी जांजगीर चांपा में कार्यरत है। ये कुष्ठ रोगियों के सेवा के लिए, मतलब इनके समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें प्रदान किया गया है आपका पद्मश्री पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका रामगढ़ गुफा नाट्यशाला झांकी। गणतंत्र दिवस में छत्तीसगढ़ के रामगढ़ में स्थित विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, जो कि रामगढ़ सरगुजा जिले में स्थित है, उसकी झांकी को गणतंत्र दिवस में तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। रक्षा मंत्री सीतारमण के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था महाराष्ट्र को, द्वितीय किया गया था असम को, और तीसरे नंबर पर प्रदान किया गया अपने छत्तीसगढ़ को। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है किशोर कुमार साहू सम्मान प्रदान किए जाने की शुरुआत अभी इसी साल से की गई है। इसमें दो कैटेगरी है, पहला प्रदान किया जाता है राजकीय अलंकरण, जो कि राज्य स्तर पर प्रदान किया जाता है। दूसरा है आपका राष्ट्रीय अलंकरण, जो कि पूरे नेशनल लेवल पर, पूरे इंडिया लेवल पर प्रदान किया जाएगा। तो जो आपका जो स्टेट लेवल पर जो प्रदान किया जाएगा उसमें 2,00,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, जबकि जो नेशनल लेवल पर जो ये पुरस्कार दिया जाएगा उसमें 10,00,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो प्रथम किशोर कुमार राजकीय अलंकरण प्रदान किया गया है छत्तीसगढ़ के मनोज वर्मा को, जबकि राष्ट्रीय अलंकरण प्रदान किया गया है श्यामलाल बनेगल को। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, स्टेट लेवल पर दिया गया है मनोज वर्मा को, जबकि नेशनल लेवल पर किशोर कुमार साहू पुरस्कार दिया गया है आपका श्याम बनेगल को। किशोर कुमार साहू का संबंध छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नारी शक्ति सम्मान 2017। नारी शक्ति सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में सखी वन स्टॉप सेंटर रायपुर को तथा बेटी जिंदाबाद बेकरी जसपुर को ये नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया गया। महिलाओं की किसी भी तरह की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए बनाया गया था वर्ष 2015 में सखी वन स्टॉप सेंटर। लगभग ये छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में संचालित है, लेकिन ये पुरस्कार दिया गया है आपके सखी वन स्टॉप सेंटर रायपुर को। याद रखिएगा, रायपुर जिले के सखी वन स्टॉप सेंटर को प्रदान किया गया है आपका नारी शक्ति सम्मान 2017। इसमें महिलाओं के साथ होने वाले आपके दैहिक शोषण, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, चिकित्सा आश्रय, इस सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए स्थापित किया गया था आपका सखी वन स्टॉप सेंटर। सखी वन स्टॉप सेंटर का हेल्पलाइन नंबर है आपका 181। इसका हेल्पलाइन नंबर भी याद रखिएगा। तो सखी वन स्टॉप सेंटर रायपुर को प्रदान किया गया है नारी शक्ति सम्मान 2017, और साथ ही साथ बेटी जिंदाबाद बेकरी, जो कि जसपुर में संचालित है, बेटी जिंदाबाद बेकरी जो कि एक स्व सहायता समूह द्वारा संचालित है जसपुर जिले में, इसमें लगभग 20 बालिकाओं द्वारा एक बेकरी का संचालन किया जा रहा है, जो कि मानव तस्करी का शिकार हुई थी। तो इन
इन्हें नारी शक्ति सम्मान इसलिए प्रदान किया गया कि इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी वे स्वरोजगार के माध्यम से वर्तमान में आत्मनिर्भर बनी हुई है। तो बेटी जिंदाबाद बेकरी किस जिले में संचालित है? जशपुर जिले में। सखी वन स्टॉप सेंटर रायपुर को मिला है आपका नारी शक्ति सम्मान 2017। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक और पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए रायगढ़ जिले को मिला था। तो याद रखिएगा, नारी शक्ति सम्मान दो को मिला है केवल सखी वन स्टॉप सेंटर रायपुर, बेटी जिंदाबाद बेकरी जशपुर, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए रायगढ़ जिले को मिला है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। नेक्स्ट, कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर। कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्र का पुरस्कार प्रदान किया गया। देश के लगभग 650 कृषि विज्ञान केंद्र में छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्र का पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है कृषि क्षेत्र में इनोवेशन मतलब नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र सबसे कारगर साबित होता है उसे ये प्रदान किया जाता है। तो वर्ष 2017 का कृषि विज्ञान केंद्र का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान हुआ है वो है आपका कांकेर जिले को। नेक्स्ट चलते हैं अपन चर्चित व्यक्तियों की तरफ। पहले नंबर पर है आपकी शिवी पांडे। शिवी पांडे छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज है, जिन्होंने हाल ही में विदर्भ के विपक्ष में 101 रन की नाबाद पारी खेली। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के किसी भी फॉर्मेट में शतक लगाने वाली ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र तथा पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। शतक लगाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला क्रिकेटर शिवी पांडे। शिवी पांडे बहन है आपकी यशी पांडे की। यशी पांडे छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट टीम की कप्तान। यशी पांडे, दोनों बहनों का नाम याद रखिएगा, यशी पांडे छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, जबकि शिवी पांडे छत्तीसगढ़ की पहली महिला क्रिकेटर जिन्होंने शतक लगाया है छत्तीसगढ़ के किसी भी फॉर्मेट में। नेक्स्ट आपकी रमशीला दुग्गा। रमशीला दुग्गा का संबंध है कबड्डी से। इनका हाल ही में एशियन गेम्स के फाइनल कैंप में इसका सिलेक्शन हुआ। फाइनल कैंप क्या समझिए, एशियन गेम्स जो कि अगले साल जकार्ता में आयोजित होने वाला है उसकी कबड्डी टीम के लिए 16 प्लेयर्स का चयन किया गया है। चयन समिति इन 16 प्लेयर्स में से 12 प्लेयर्स का चयन करेगी। तो ये जो एशियन गेम्स का जो फाइनल कैंप है उसकी 16 खिलाड़ियों में रमशीला दुग्गा शामिल है। अभी फाइनल 12 खिलाड़ियों का चयन होना बाकी है। तो याद रखिएगा, रमशीला दुग्गा का संबंध है कबड्डी से और एशियन गेम्स का अगले साल आयोजन होने वाला जकार्ता में। नेक्स्ट, आदिला खानम। आदिला खानम छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट की सीनियर गेंदबाज है। इनका BCCI के इंडिया ग्रीन टीम में चयन हुआ है। तो याद रखिएगा, इंडिया ग्रीन टीम BCCI के इंडिया ग्रीन टीम में चयन होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली और एकमात्र क्रिकेटर है आपकी आदिला खानम, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, हेमंत गणेश्वर पटेल। हेमंत गणेश्वर पटेल एक पर्वतारोही है। PSC और व्यापम पिछले एक दो साल से पर्वतारोही से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे पिछले साल व्यापम का एक प्रश्न था कि नैना धाकड़ ने किस पर्वत पर फतह हासिल करी, तो उसका आंसर उसने लिया था भागीरथी 2। वैसे ही एक राहुल गुप्ता है जो कि छत्तीसगढ़ के माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो इनका भी नाम थोड़ा याद रखिएगा। उन्होंने तो वैसे काफ़ी पर्वतों पर उन्होंने फतह हासिल कर चुके हैं, तो वो हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं, तो उनके भी सारे जो पर्वत पर वे जाते हैं उसे नोट डाउन करके रखा कीजिए। तो हेमंत गणेश्वर पटेल अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे थे, जो कि कोरबा जिले के गेवरा कुसमुंदा क्षेत्र से संबंधित है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के किली मंजारो पर्वत, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है, किली मंजारो पर्वत के उहुरू शिखर, किली मंजारो पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है जिसका नाम है उहुरू शिखर पे उन्होंने योग का प्रदर्शन किया। तो याद रखिएगा, हेमंत गणेश्वर पटेल छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही है जिन्होंने किली मंजारो पर्वत के उहुरू शिखर में योग का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट, रैंकिंग पे चलते हैं। ई गवर्नेंस अवार्ड का गोल्ड मेडल प्रदान किया गया दंतेवाड़ा जिले को। यह अवार्ड दिया जाता है आपके इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नवाचार प्रोत्साहन के क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर सौरभ कुमार को इस ई गवर्नेंस अवार्ड का गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। इससे पहले भी सौरभ कुमार को दंतेवाड़ा जिले में कैशलेस तथा डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इससे पहले प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है।
तो इस साल इन्हें ई गवर्नेंस अवार्ड का गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। इन्हें ये गोल्ड मेडल दंतेवाड़ा जिले में शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए चलाया जा रहा है अभियान पढ़े दंतेवाड़ा लिखे दंतेवाड़ा के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आरबीआई रिपोर्ट। आरबीआई ने वित्तीय संबंधी मामलों में अलग अलग कैटेगरी की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वित्तीय प्रबंधन 2017-18, वित्तीय प्रबंधन 2017-18 में पहले स्थान पर रहा छत्तीसगढ़। वित्तीय प्रबंधन यानी छत्तीसगढ़ को जितनी राजस्व आय होती है उस राजस्व आय का वह किस सुगमता से और किस तरीके से वो विकास के कार्यों में उसका उपयोग करता है, तो उस लिए मतलब उसके मैनेजमेंट पैसों का वो किस तरीके से अपने राजस्व आय का किस तरीके से मैनेजमेंट करता है, इसके लिए वित्तीय प्रबंधन में 2017-18 के लिए छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा। सेकंड है विकासमूलक कार्य। विकासमूलक कार्यों में खर्चा के लिए छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा, पहले नंबर पर है तेलंगाना। विकासमूलक कार्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य को जितनी भी राजस्व आय हुई उसका कितना प्रतिशत हिस्सा या कितना मद वो विकास कार्यों में लगाता है, तो विकासमूलक कार्यों में जो खर्च किया तो विकासमूलक कार्यों में खर्च के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है तेलंगाना के बाद। प्रथम है तेलंगाना, दूसरा है छत्तीसगढ़, जबकि वित्तीय प्रबंधन मामले 2017-18 के लिए छत्तीसगढ़ है प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के निर्यात में हुई 92% की वृद्धि। वर्ष 2016 की तुलना में 2017 में छत्तीसगढ़ के निर्यात में 92% की वृद्धि हुई। वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ में लगभग 8,984 करोड़ की लागत की वस्तुओं का निर्यात किया गया, जिसमें चावल सर्वाधिक मात्रा में चावल लगभग 29%, लौह अयस्क 19%, मिश्रित लौह 14.5%, एल्युमिनियम 10%। शुरू के चार का नाम याद रखिएगा। 8,984 करोड़ की लागत के वस्तुओं का निर्यात किया गया, जिसमें चावल का 29% निर्यात किया गया, लौह अयस्क 19%, मिश्र लौह 14.5%, एल्युमिनियम 10%। नेक्स्ट चलते हैं पुस्तकों की तरफ। पहले नंबर पर है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल की रचना का नाम है एक चुप्पी जगह, जो कि एक उपन्यास है। उनकी इस रचना को याद रखिएगा क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध साहित्यकार है, तो उनकी रचनाओं से प्रश्न पूछा स्वाभाविक है। विनोद कुमार शुक्ल जी की उपन्यास जिसका हाल ही में विमोचन हुआ उसका नाम है एक चुप्पी जगह। दूसरा है घनश्याम सिंह ठाकुर। घनश्याम सिंह ठाकुर की हाल ही में एक कविता संग्रह प्रकाशन हुआ, जिस उनकी कविता का नाम है कविता कुंद्रा। याद रखिएगा घनश्याम सिंह ठाकुर की कविता संग्रह का नाम है कविता कुंद्रा। नेक्स्ट है डॉक्टर पंचराम सोनी। डॉक्टर पंचराम सोनी की बुक का नाम है राजिम का कुंभ। एक्चुअली बुक का पूरा नाम ये है भारतीय संस्कृति का नया सोपान राजिम का कुंभ, तो इसे राजिम के कुंभ के नाम से याद रखिएगा। ये तीनों बुक में स्पेशली ये विनोद कुमार शुक्ल जी की बुक को थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। इस तरीके से छत्तीसगढ़ के जनवरी से लेकर के अप्रैल माह तक के करंट अफेयर को हमने कवर कर लिया। दो चार दिन में आपको और एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें मई से लेकर के जुलाई के एंड तक के करंट अफेयर हम कवर करेंगे। उसके बाद आपको मंथली वाइज आपको एक एक मंथ के करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के हम स्पेशली प्रोवाइड कराते जाएंगे। साथ ही साथ हम प्लानिंग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के क्लासेस चालू करने का, जो कि आपको ये करंट अफेयर्स के क्लासेस समाप्त होने के बाद हम उसका वीडियो अपलोड करते जाएंगे, और बीच बीच में आपका आर्थिक सर्वेक्षण के भी हम जो पार्ट्स जो कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप लिंक पे जाकर के डायरेक्ट हमारे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।